नाम प्रीति शर्मा है, अभी आरपी में काम कर रही छू और रत्नगर जीवामृत सीख बुझारी। राम राम साहब। राम राम साहब। बैठो। काय नाम था वो? घर बाल बच्चे आ रही तो सब ठीक छे? फसल वसल और क्या कहे छे? घर सब ठीक छे और खेती बाड़ी भी अच्छी छे। हमारी फसल कमजोर रहेगी तो ते कोई जानकारी देता बताओ खाद की, तो माने भी दो। चिंता कर भाई, कोई जरूरत को ना, ये बीमारी तो माँ कभी हुई थी खेत में जब मैं गया के मायने वो दिया था जीवामृत। चलो थान बार बताऊं तू बना रहा आपने जरूर। ते जो जीवामृत बनावा के लिए बताया थे वो अपन काय काय सामग्री चाहिए? एक किलो बेसन, एक किलो गुड़ और 5 किलो गौ मित्र और 5 किलो गोबर और 1 किलो मिट्टी। यो छे 5 किलो गौमूत्र, यो छे 1 किलो गुड़, यो छे 1 किलो बेसन, या छे उपजाऊ खेत की 1 किलो गार, यो छे 5 किलो ताजा गोबर, ये छे 100 लीटर पानी। यो छे 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, यो छे 5 किलो बेसन, यो गोबर, यो छे 5 किलो गौमूत्र, एक किलो है खेत की मिट्टी से, चार दिन बाद में खेत में देनी छे। 4 दिन तक इन्हें उड़सुड़ो हिलानू छे और ढक्कर रखनू छे। ये 4 दिन के बाद ही जीवामृत तैयार होगा, इसको 4 दिन बाद देना। ये जीवामृत आप बना लिया, लेकिन आपने एक साथ काय-काय सावधानी रखनी चाहिए। एक बार तैयार किया गोल में परसों पानी न डाल लू, दिन में 4 बार उंगलो और सुनो लकड़ी से हिला लू चाहिए। 3 दिन तक सुबह शाम और दोपहर में 3 बार ही लानू चाहिए। जानवर बीमार न हो न उनको ताजा गोबर डाल, इन्हें खान का अमो लेना चाहता अपन पानी पाते टेम डोरा में डालू चाहिए। अगर टंकी सु दोरा सु न दे तो टंकी सु भी छिड़क सके, अगर टंकी सु दे न तो इन्हें छान देनु चाहिए। जीवामृत यो जीवामृत 2.5 बीघा के लिए देनु चाहिए। तो आप पानी जीवामृत सु काय काय फायदो से? एक तो फसल बढ़े ली आपने, एक बीमारी कम हो, जमीन की ताकत बढ़े ली, यूरिया डीपी में बीमारी आओ चे उनके यूरिया डीपी से काम ज्यादा कर लो। ये जीवामृत बनाए सन इस बीमारी भी न आवे और खर्चो भी कम हो जाए। जो ते जीवामृत बनावो सिखाया माने उनको लेता नु बहुत बहुत धन्यवाद। चला था साहब, राम राम मान जो सर। राम राम। सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम जीवामृत के बारे में थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं कि हमने गाँव के अंदर जो देखा है कि लोग खेतीबाड़ी करते समय अंग्रेजी दवाइयों का जिस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, इतनी महंगी दवाइयां ला रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी फसल में फायदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जीवामृत जो हमारी घरेलू स्तर पर और कम समय और कम पैसे के अंदर जो दवाई तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से फसल के अंदर रोगी रोकथाम क्षमता बढ़ती है,
तो मेरा किसानों से, सभी किसानों से अनुरोध है कि सभी किसान लोग ये जीवामृत की जो विधि है इसके माध्यम से अपने घरेलू स्तर पे दवाई बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल के अंदर इसका उपयोग करें। मैं सभी किसानों से एक बार पुनः अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवामृत का अपने फसल में उपयोग करें और इसका फायदा ले और लोगों को भी जानकारी दें। धन्यवाद। काश मैं जीवन को विश्वास पूर्ण साथ हो, सारे जहां सर हो, जमीन पर उतारे हम, जमीन पर उतारे हम, करते आकाश को पहाड़ को न ला सके, करते आकाश को पहाड़ को न ला सके, नदियाँ ऊपर आएगी जमीन को घिसा सके, नदियाँ ऊपर आएगी जमीन को घिसा सके, एकता के आत्म बल से गगन को झुकाएंगे, एकता के आत्म बल तो गगन को झुकाएंगे, सारे जहां को जमीन पर उतारे कार गिया चाजे, गया बजकाल के घूम गे जे, ये रामन कार गया चाजे, मारे कीर पुड़ी के गोटे।